परेशान लोग पहुंचे एसपी कार्यालय। हड्डी मिल क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं से परेशान वहां के निवासी एसपी कार्यालय पहुंचे। लोगों का कहना है कि हड्डी मिल क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण वे परेशान हैं। वहां के निवासियों का कहना है कि चोर 15 से 20 लोगों की टोली में निकलते हैं, अगर उन्हें रोका जाए तो उनके पास हथियार रहते हैं। कई बार उनके द्वारा इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा उनको चोरों से मुक्ति नहीं दिलाई गई। मैं एसपी साहब के पास आया, चोरी की घटनाएं बहुत लगातार बढ़ रही हैं हमारे एरिया में। चोर करीब 15-20 लोग टोली बना करके आते हैं, पत्थर भी फेंकते हैं वो लोग, उनके पास हथियार भी होते हैं, तो मजबूर हो जाते हैं हम लोग। लट भी मार सकते हैं वो तो डर के मारे निकलते नहीं हैं हम लोग। तो 5 बकरियाँ भी चोरी हुई हैं वहाँ से। अभी कुछ दिन पहले ताले भी टूटे थे। एक रिटायर बाबू रहते हैं हमारे वहाँ रोड पर, उनका ताला तोड़ करके सारा सामान ले गए उनका। इस तरीके से मतलब चोरों से बहुत परेशानी है। तो एसपी साहब के पास आए थे हम आवेदन लेकर। अच्छा, आए दिन चोरियाँ हो रही हैं? आए दिन, रोज डेली आ रहे हैं, रोज आते हैं 8-10 जन है। पहले भी कई बार दे चुके हैं। उन लोगों को जानते बेजानते हो आप लोग? नहीं, जानते नहीं है, वो तो शायद कई बाहर के लोग हैं, चोर हैं, हमारे एरिया का तो नहीं है उनमें कोई भी। अब हथियार भी रहते हैं उनके पास, तो डर के हमारे कुछ नहीं कर पाते, तो चोरी को अंजाम दे देते हैं। मोहल्ले में दहशत है बहुत, डर रहे हैं लोग, डर से हैं। हमने पहले भी आवेदन दिया था कि वहाँ पर चौकी स्थापित की जाए, अभी तक ऐसा कोई हुआ नहीं है, चौकी नहीं बनी वहाँ। उसके बाद फिर आवेदन हम देने आए, चौकी वहाँ बन जाए।